हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे, गर्मियों के दिनों में अक्सर आँख लाल हो जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसके साथ साथ फीवर आना शुरू होता है। तो आप गर्मियों के मौसम में जो आँख लाल हो जाती है, जिसको आप गांव की भाषा में आँख आना बोलते हैं या बंगाल की भाषा में जय बंगला बोलते हैं, तो आँखों का लाल होना एक रेडनेस होना नॉर्मल चीज़ है। लेकिन आँखों का आने का मतलब होता है कि आँख बहुत ज़्यादा लाल हो, उसमें से पानी गिरने लगता है, उसके साथ साथ आपको फीवर हो जाता है, आँख से आप देख पाने में असमर्थ हो जाते हैं। तो वैसे कंडीशंस को आप कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन से जल्दी कम्प्लीट रूप से क्योर करेंगे, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और बात करेंगे यूफ्रेशिया के बारे में भी। और जनरली फ्रेंड्स, वैसे कंडीशंस के लिए आप यूफ्रेशिया ही यूज़ करेंगे, और एक दो मेडिसिन आती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हम आगे बढ़ें उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आपको इस वीडियो के नीचे और रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन दिखेगा, कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हम आप तक होम्योपैथ से रिलेटेड वीडियो पहुँचाते रहें। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आज यूफ्रेशिया के बारे में। अगर आपका धूप में आप निकल गए और धूप में लगने की वजह से आपको आँखों में लालीपन आ जाए, शरीर पूरे आँखों में दर्द होने लगे, ऐसा लगता है कि आँखों में चुभन जैसी हो रही है, तो वैसे कंडीशंस के लिए दो मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। पहला मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना को आप 200 के पोटेंसी में और यूफ्रेशिया को 30 पोटेंसी में दो दो घंटे से अगर अल्टरनेट वेज से लेते हैं, तो आपके आँखों की लालिमा काफ़ी हद तक कम्प्लीट रूप से क्योर हो जाती है। और हम बात कर रहे थे यूफ्रेशिया के बारे में। यूफ्रेशिया एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत कम रोगों में काम आती है, लेकिन बहुत सटीक काम करती है, और यही वजह है कि इसके बिना वो रोग क्योर नहीं किया जा सकता है। ख़ास करके यूफ्रेशिया का वर्क हमारे आँखों पे है, हमारे फेफड़ों पे है, हमारे कंजक्टिवाइटिस यानी म्यूकस मेम्ब्रेन पे यूफ्रेशिया का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और यही वजह है कि म्यूकस मेम्ब्रेन के वजह से चाहे आपका आँख का आना हो, चाहे सर्दी जुकाम हो, चाहे फीवर हो या मीजल्स हो, ये सब कंडीशंस में यूफ्रेशिया बहुत अच्छा रिजल्ट देती है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वो सारे सिम्टम्स जिसमें आप यूफ्रेशिया को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में यूफ्रेशिया रखे हैं तो सिम्टम्स को ज़रूर ध्यान से सुने। अगर ये सिम्टम्स आपके साथ है, यानी आपको ये प्रॉब्लम्स है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पहला कंडीशंस फ्रेंड्स यही आता है कि इसके म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको कैटरर कंडीशंस कहते हैं, यानी कि आँख नाक में बहुत ज़्यादा जलन होना, जलन होने के साथ साथ पानी का गिरना, ये यूफ्रेशिया का एक अपने आप का एक सिम्टम्स है, जिसको यूफ्रेशिया के द्वारा ही ख़त्म किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आँखों से पानी अगर ज़्यादा गिरता है तो आप यूफ्रेशिया 30 का इस्तेमाल करेंगे, 5-5 बूंद आधा कप पानी में डालकर, चाहे वो सर्दी जुकाम हो, चाहे आँखों से पानी गिरना हो, ये दोनों कंडीशंस में यूफ्रेशिया काफ़ी हद तक कम्प्लीट रूप से क्योर करती है। इसके अलावा आँखों और नाक से पानी गिरने की कंडीशंस में एलियम सीपा और आर्सेनिक एल्बम दोनों यूज़ की जाती है। तो दोनों कंडीशंस में आर्सेनिक में क्या होता है कि नाक में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, नाक में जलन होता है, उसमें आप आर्सेनिक 30 का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर नाक में जलन नहीं है और आँख से पानी ज़्यादा गिर रहा है, तो आप यूफ्रेशिया 30 लेंगे, 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 2 बार, आपको काफ़ी हद तक राहत मिलता है। दूसरा कंडीशंस फ्रेंड्स यूफ्रेशिया का सबसे बेस्ट यूज किया जाता है, वो है कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आँखों में हल्का हल्का कीचड़ आ जाता है और आँखों से पानी ज़्यादा गिरने लगता है और आँख हल्का हल्का चिपक जाती है। गर्मियों के दिनों में बच्चों को ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। वैसे कंडीशंस में आपको यूफ्रेशिया ड्रॉप भी आती है, आप यूफ्रेशिया ड्रॉप ले सकते हैं, और यूफ्रेशिया 30 को दिन में 2 से 3 बार दें। धीरे धीरे आँखों का चिपकना, आँखों का ग्लूटोनियस यानी आँखों में जो कचड़े टाइप में निकलते हैं, वो धीरे धीरे काफ़ी हद तक कम्प्लीट रूप से क्योर हो जाएगा। इसके अलावा आप यूफ्रेशिया को खांसी में भी यूज़ कर सकते हैं। ख़ास करके आपने देखा होगा आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दिन में खांसी आती है और रात में सो जाते हैं। अगर आपको दिन में खांसी आती है और रात में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता, रात में आप नॉर्मली सो रहे हैं, तो ये यूफ्रेशिया का खांसी है, इसके लिए कोई सिरप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे कंडीशंस के लिए आप यूफ्रेशिया 30 पोटेंसी में लेंगे, यानी कि यूफ्रेशिया 30 को लेंगे और 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 2 बार लेंगे, यानी सुबह खाली पेट और रात में सोते समय।
एक सप्ताह या डेढ़ सप्ताह लगता है, आपको धीरे धीरे काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करें सिर्फ खांसी की ही नहीं, अगर कुछ औरतों में मासिक कुछ ऐसे गृहिणियाँ भी मिलते हैं या फीमेल्स भी मिलते हैं जो जिनकी मासिक सिर्फ एक घंटे या एक दिन ही रुकती है, यानी जिनको एमोनोरिया की कंडीशन धीरे धीरे डेवलप कर रही है, वैसे कंडीशंस के लिए आप इफ्रेसिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है, आपके मासिक को नॉर्मल करती है और धीरे धीरे आपके मासिक की जो क्लॉटिंग टाइम यानी डे टाइम है वो काफ़ी हद तक फूल कर बाहर आ जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे चाहे वो एक घंटे की मासिक हो या एक दिन का है, ये दोनों सिम्टम्स आपको स्टेफिसगेरिया में भी मिलता है और फेरममेट में भी मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, फेरममेट में जो मासिक नहीं आता है उसके पीछे का कारण ये होता है कि उसके अंदर ब्लड की कमी होती है, यानी एनेमिया की कमी होती है। स्टेफिसगेरिया में अगर मासिक कम आता है या नहीं आता है उसके वजह ये होता है कि स्टेफिसगेरिया का पेशेंट इमोशनल प्रॉब्लम्स के वजह से उसकी मासिक सीज कर जाती है, यानी वो इमोशनल बहुत ज़्यादा होता है, इमोशनल बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर में रहता है, एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप करती है और जिसके वजह से मासिक सीज करती है या एक दिन धीरे धीरे आना शुरू होता है। तो वैसे कंडीशंस में आप यूफ्रेसिया को यूज़ करेंगे जब अगर मासिक एक घंटे या एक दिन के लिए रुकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो अगर आपके आँखों में चोट लग जाए, आँखों में चोट किसी भी वजह से लग जाती है तो अक्सर लोग आर्निका का यूज़ करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर आँखों में चोट लग जाए, चाहे वो गिरने के वजह से हो, चाहे वो मैकेनिकल इंजरी के वजह से हो, या एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द आइज़ में चोट लग जाए और वो चोट के वजह से आँखों में हल्का हल्का सूजन होने लगे, आँखों से पानी गिरने लगे और हल्का सा आँखों में दर्द रहने लगे, तो आप यूफ्रेसिया 30 का इस्तेमाल करेंगे और यूफ्रेसिया ड्रॉप ले लेंगे और आप 2-3 घंटे से अगर उसको यूज़ करते हैं तो एक दिन में ही काफ़ी हद तक आपको कवर होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप यूफ्रेसिया को सर दर्द में भी यूज़ कर सकते हैं, खास करके यूफ्रेसिया का जो सर दर्द होता है वो सर्दी जुखाम के वजह से होता है। अगर सर्दी जुखाम आपको हो रहा है और सर्दी जुखाम के वजह से ऐसा महसूस होता है कि सर बहुत ज़्यादा फट जाएगा और सर फटने की वजह से वो लोग अक्सर सर को बांध कर सोना पसंद करते हैं, वैसे कंडीशंस को यानी कि सर्दी जुखाम में होने वाले सर दर्द की सबसे बेस्ट मेडिसिन यूफ्रेसिया आपको मिलती है। खास करके यूफ्रेसिया में जो सर दर्द होता है वो शाम के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अगर आपको सर्दी जुकाम हो और सर्दी जुकाम के साथ साथ अगर आँखों से पानी गिर रहा है और शाम के समय में सर दर्द या तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपको यूफ्रेसिया 30 लेना चाहिए। यूफ्रेसिया 30 को 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर हर एक एक घंटे से लें, आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है। आगे हम बात करते हैं, इसको आप नेक्रल यानी लैक्रिमेशन और नेजल लैक्रिमेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, जो नाकों से पानी हल्का हल्का गिरने लगता है वैसे कंडीशंस में भी आप यूफ्रेसिया को यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फीवर में, अक्सर लोग फीवर में बहुत सारे मेडिसिंस यूज़ करते हैं लेकिन यूफ्रेसिया को आप फीवर में यूज़ बहुत कम लोग करते हैं। वजह है कि या तो आप बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं कि फीवर में यूफ्रेसिया यूज़ करते हैं या इसके तरफ ध्यान ही नहीं जाता है, बहुत सारे लोग बेलाडोना आर्सेनिक का यूज़ करते हैं, लेकिन जनरली इसके फीवर्स यूफ्रेसिया के फीवर्स आपको मेजल्स टाइप में होते हैं। फ्रेंड्स, बहुत कम लोग जानते होंगे कि मेजल्स का जब फीवर आता है तो उसमें आपको बेलाडोना ब्राइनिया का इस्तेमाल करना नहीं होता है, आप अगर उसमें यूफ्रेसिया 30 का इस्तेमाल करते हैं तो मेजल्स भी काफ़ी हद तक कम्प्लीट रूप से क्योर होगी और धीरे धीरे आपका मेजल्स के वजह से होने वाली फीवर भी काफ़ी हद तक कम्प्लीट रूप से क्योर हो जाए। उसके साथ साथ अक्सर लोग मेजल्स होने के बाद देखा गया है कि सर्दी जुखाम या खांसी हो जाता है, उस खांसी को भी आप यूफ्रेसिया 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं, 5-5 बूंद आधा कप पानी में डालकर आप मेजल्स के बाद या मेजल्स के दौरान होने वाले फीवर सर्दी खांसी को आप कम्प्लीट रूप से क्योर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये यूफ्रेसिया की फीवर है जो आप मेजल्स के समय में कम्प्लीट रूप से क्योर कर सकते हैं। मेंसेस एमोनोरिया की कंडीशंस आपको पता ही है कि यानी अगर मासिक में एक महीने तक रुकती है या एक घंटे तक रुकती है तो आप यूफ्रेसिया को यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और यूफ्रेसिया के यूज़ को भी आपको समझ में आया होगा।
अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। ये वीडियो एक नॉर्मल जानकारी के लिए दी जा रही है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।